आइए अब देखते हैं कि हम किस तरीकों से सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम कर सकते हैं किसी बॉडी के। इसमें बहुत से आसान से एक्सपेरिमेंट है। सबसे पहले जो हम एक्सपेरिमेंट देखते हैं वैसा कर लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, सही है? ये हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, कोई भी रेगुलर शेप का बॉडी आप ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। ये फिश किस्म का ऑब्जेक्ट है, लेट्स सपोज हम ले लेते हैं। और ये हम समझते हैं, और यहाँ पे हमारे पास ये एक रॉड है, ठीक है ना? तो हम इस रॉड को इस ऑब्जेक्ट के नीचे ऐसे रखना है कि ये ऑब्जेक्ट बैलेंस हो जाए। तो जिस पॉइंट पे ये ऑब्जेक्ट के नीचे ये रॉड रखें, या हम इसको ऐसा समझें कि ये इसमें अच्छी तस्वीर समझ में नहीं आ रही, कि जैसे कि ये एक बोर्ड है, बस ये एक बोर्ड है। अब इस बोर्ड के अंदर जो है, हम नीचे से अगर एक यहाँ कोई एक डंडी लगा के इसको बैलेंस करने की कोशिश करें, तो वो जगह जहां पे ये बोर्ड बैलेंस हो जाए, तो हम उसे क्या बोलेंगे? ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट हो गया। दूसरा एक्सपेरिमेंट ये है कि मिसाल के तौर पर उसी तरीके से कि ऐसे ही कोई बोर्ड है और उसको आप किसी रॉड के ऊपर रखें। यानी अगर मैं लेट सपोज को मैं रॉड ला लूं, तो मैं अगर एक रॉड रॉड जो है, ये मेरी रॉड है, इस रॉड के मैंने नीचे ऊपर रखा इसको और मैं इसको बैलेंस किया। बैलेंस करने में क्या हुआ? जब मैं इस बोर्ड को रखा तो ये अब इस तरह ये बैलेंस हो गया। तो मैं क्या करूं, इसको पॉइंट ए कह दूं और इसको पॉइंट बी कह दूं, ठीक है? और यहाँ पर मैं ये ऐसे एक लाइन लगा दूं, ये मेरा पॉइंट ए हो गया और ये मेरा पॉइंट बी हो गया। अब दोबारा क्या करूं, ये तो मेरा स्टेप वन हो गया, सही है? एक्सपेरिमेंट टू है, मेरा एक्सपेरिमेंट वन था। अब मैं क्या करूं, स्टेप टू क्या हो? स्टेप टू क्या हो कि यही बॉडी हो और मैं इसको किसी और अंदाज में जो है उसको तेरा तेरा तिरछा करके मैं इसको दोबारा से बैलेंस करने शुरू करूं, दोबारा से इसको बैलेंस करना शुरू करूं, उस रॉड के ऊपर रख दूं। कभी मैंने ऑलरेडी ए और बी तो मैंने बनाया, मार्क किया हुआ है। हमारे केस में ये हमने ए और बी अभी मार्क किया हुआ था, ठीक है? अब हमने क्या इस बॉडी के ऊपर रख दिया, तो अब क्या हुआ, अब दोबारा हम क्या करें, हम इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, जिस जो दो पॉइंट जो रॉड के ऊपर है जिन पे अभी ये बोर्ड बैलेंस हो गया, इनको वहां पे जो है मार्क कर ले पॉइंट्स। लेट्स सपोज उसको मैं सी कर लेता हूँ, उसको मैं डी कर लेता हूँ और एक लाइन खींच दूं, तो जहां पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी वो क्या होगा, वो मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। ये मेरा एक्सपेरिमेंट टू हो गया। अब आए हम अपना एक्सपेरिमेंट नंबर थ्री देखते हैं। तो एक्सपेरिमेंट नंबर थ्री क्या कहता है? एक्सपेरिमेंट नंबर थ्री ये कहता है कि आप एक बॉडी लें और लेट्स बना लेते हैं कि ये एक स्टैंड है हमारे पास, ठीक है? वो एक स्टैंड है और इस स्टैंड के ऊपर आप वो करना क्या है कि लेट्स सपोज एक बॉडी है, ये आपकी एक बॉडी है, आपको मालूम करना है कि भाई इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है। तो आप क्या करें, आप इसके एक तरफ होल करें और इस बॉडी को यहां पे टंगा दें। तो इस बॉडी में यहाँ पे ये जो स्टैंड है, यहाँ पे एक रस्सी है लगी हुई और उसके आखिर में एक वेट लगा हुआ है। तो ये
जहां पे आपने होल किया है लेट सपोज मैं इसको अगर ए कहता हूं, तो ये जो मैंने अभी इस रस्सी से जो वेट कर रही है लाइन बन रही है, इसको मैं मार्क कर लूं। ठीक है, अब मैं क्या करूं, मैं एक और सुराख करूं, इसको मैं कहूँ ये मेरा पॉइंट बी है। और अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या हो कि मैं इस स्टैंड के ऊपर जो है इस स्टैंड के ऊपर दोबारा से इस बॉडी को रखूं। लेट सपोज ये मेरा पॉइंट ए हुआ करता था, और ये मैंने यहाँ पे वो लाइन बनाई हुई जो मैंने अभी पहले बनी हुई थी, और अब ये मेरा पॉइंट बी है। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, दोबारा उसी वेट को प्लेस कर दूँ, मैंने वो धागा और वही आपका उसको रखा है यहाँ पे, और अब क्या किया मैंने, इस धागे से बिल्कुल नीचे एक लाइन मैंने खींच दी। तो जहां पर ये लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, ये क्या हुआ, ये उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। आप दो से ज्यादा भी सुराख करके इसको घुमा के सेम एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो जहां जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, जहां पे ये सारी लाइन मिलेंगी, क्या होगा, ये उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। ये जो मेथड है, रस्सी के साथ ये एक छोटा सा वेट लगा हुआ, और इसको हम जो है इस टूल को हम कह सकते हैं, या इस औजार को हम प्लंब लाइन भी कहते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारे पास तीन एक्सपेरिमेंट है जिनके जरिए हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम कर सकते हैं।